साल 2000 से 2004 के बीच चार बार भारत केसरी रहे। लगातार तीन साल 2001, 2002 और 2003 में नेशनल चैंपियन रहे और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 14 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जगदीश कालीरमन। विरासत में मिले कुश्ती के दांव पेच अपने बच्चों को सिखाते हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी और कोच रह चुके जगदीश कालीरमन, जो एक जमाने में देश के मशहूर पहलवान रहे चंदगी राम जी के बेटे हैं। एक तरह से अखाड़ा ही उनके लिए पहली पाठशाला बना, जो तब मिट्टी का हुआ करता था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से हासिल कामयाबी के दम पर उन्होंने एक नया करियर बनाया। इधर वक्त के साथ मिट्टी की जगह मैट ने ले ली, लेकिन कुश्ती को लेकर वो जज्बा आज भी कायम है जो बतौर कोच अपने तमाम गुर और पैतरे आने वाली पीढ़ी को सिखाने पर मजबूर करता है। हालांकि ये छुट्टियों की बात है, रोज का रूटीन बिल्कुल नहीं। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश कालीरमन, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और अभी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्य कर रहा हूं। अब तो दिन की शुरुआत यूनिफॉर्म पहनने से होती है और अंत डिनर के बाद नाइट पेट्रोलिंग से। इसे संयोग ही कहिए कि आज सीओ साहब के दिन की शुरुआत एक खेल के कार्यक्रम से होनी है। अभी हम निकले हैं तहसील छाता से और कोसी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट है और उसी का पुरस्कार वितरण समारोह होना है, उसी के लिए हम यहाँ से रवाना हुए हैं। ऐसा न्योता भला मना भी कैसे करते, उनके अंदर के खिलाड़ी नहीं तो उन्हें अधिकारी बनाया है। मेरा जो पुलिस का सफर है वो सन 2000 से शुरू हुआ। सन 2000 के अंदर मैंने एस इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। उस टाइम पे वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की, और उसके बाद मैं एक्टिव पुलिसिंग में नहीं था, स्पोर्ट्स करता रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और मैं 2005 में इंस्पेक्टर बना और वो सिलसिला चालू रहा, और फिर 2016 में मैं डिप्टी एसपी बना। लोग भी जानते हैं कि डिप्टी एसपी जगदीश कालीरमन पुलिस अधिकारी होने के अलावा एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं। पहले मेरी जो खेल वाली लाइफ थी वो चलती रही, फिर मेरी कोच की भूमिका थी 2000 से लेके और 2010 तक मैं खिलाड़ी के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा उत्तर प्रदेश पुलिस को, विभाग को, और उसके बाद फिर 2010 में मुझे मेरी नियुक्ति कोच के रूप में हुई। तो उत्तर प्रदेश पुरुष व महिला टीम थी उसके कोच के रूप में मैंने कार्य किया 2016 तक, और उसके बाद जब मैं डिप्टी एसपी बना तो उसके बाद मुझे पुलिसिंग की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, और फिर लगातार मुझे सेवा करने का मौका मिला। और पहले मेरी पोस्टिंग मेरठ रही 1.5 साल, उसके बाद मेरी पोस्टिंग मथुरा हो गई, और यहाँ पर मैं पहले सीओ लाइन रहा मथुरा में, उसके बाद सीओ गोवर्धन रहा, और अभी फ़िलहाल सीओ छाता हूँ, सीओ छाता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पर ये सवाल वाजिब है कि क्या पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या उसी तर्ज पर तय कर सकता है जैसे कोई अन्य खिलाड़ी करता है, या फिर पुलिस की जिम्मेदारियां और उसकी जरूरतें कसरत के कानून पर भारी पड़ती हैं। सीओ साहब का सम्मान करते हुए बहुत अच्छा लगा कि सीओ साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए। खिलाड़ी का जीवन जो है बहुत ही डिसिप्लिन रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है,
टाइम से खाना खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना, टाइम से सो जाना। पुलिसिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। पुलिसिंग में आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेरे लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा पुलिसिंग का। और कैसे आपने लोगों को फेस करना है, कैसे समस्याएं लोगों की आती हैं, उन समस्याओं का निपटारा कैसे करना है, अपराधियों को कैसे पकड़ना है, उन पर अंकुश कैसे लगेगा, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसमें आप नहीं देख पाते, ना ही समझ पाते हैं। अब मैं थाना कोसी जा रहा हूँ जो मेरे अंडर में आता है, और थाना कोसी में जो इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ पे, और इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे बातचीत करूँगा। बतौर सीओ आप किसी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते, उसमें भी जब आपके इलाके का दायरा बड़ा होने के साथ साथ अपराध और कानून के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो। ऐसे में कहीं भी कभी भी और कुछ भी हो सकता है। चलते रहने का ये सिलसिला अक्सर सुबह से शुरू होकर देर रात तक जारी रहता है। पूरा दिन जो है वो काफ़ी व्यस्त रहता है, तो मॉर्निंग में शुरुआत हो जाती है सुबह 9 बजे ऑफिस जाने से, और वो फिर रात के 2:30 बजते हैं, 2:30 बजे के बाद ही सोना होता है, और सुबह फिर जल्दी मॉर्निंग 7:30-8 बजे उठ जाना होता है, 9 बजे ऑफिस जाना होता है। तो पूरा दिन गहमा घूमी चलती है, रात में पेट्रोलिंग चलती है। NS2 जो मेरे दो थाने हैं छाता और कोसी, वो NS2 पर हैं, तो उस पर क्राइम की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो उस पर लगातार फिर रात में पेट्रोलिंग होती है। और मेरा जो सर्कल है उसमें दो स्टेट्स की सीमा लगती है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है, तो हमेशा आकांक्षा एक संभावना बनी रहती है क्राइम होने की, तो लगातार उस क्राइम को रोकने के लिए लगातार अभियान चलते हैं चेकिंग के। अब लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई रास्ता अवश्य वो निकालेंगे। मातहत अधिकारियों से इलाके की खैरियत रिपोर्ट लेनी होती है। ये पुलिसिंग के अलग अलग अंदाज हैं, जिसमें थाने पहुंचे लोगों को सुनना और उनकी परेशानी को जानना समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा करके आप न सिर्फ उन्हें संतुष्ट करते हैं बल्कि जनता का भरोसा भी हासिल करते हैं। हर एक खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है जब वो देश के लिए मेडल जीतता है और फिर वो अपनी सेवाएं अपने संबंधित विभाग को देता है, और ये उसकी ऐसी यादें होती हैं ज़िंदगी भर उसके साथ रहती हैं। तो पुलिस विभाग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सम्मान मिलता है, और लोग और ज़्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं, तो खिलाड़ी की छवि मेरे में देखते हैं पहले, पुलिस अधिकारी की बाद में देखते हैं। रात हो चुकी है, कोसी कला थाने के बाद अब रुख शेरगढ़ की ओर है। ये जगह भी छाता सर्कल में ही आता है। हम थाना कोसी कला में थे, वहां पे जो लोग आए हुए थे पब्लिक की, उनकी समस्याएँ सुनी, और वहाँ से अब हम आ गए शेरगढ़। ये छाता सर्कल में ही थाना है जो मेरे अंडर में आता है। शेरगढ़ थाना पहुंचते ही थाना प्रभारी और दूसरे अधिकारियों से बैठक शुरू हो जाती है। दरअसल यहां कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था, लिहाजा मामला गंभीर है, और ये बातचीत उसी सिलसिले में हो रही है। ऐसे मामले में रिपोर्ट तैयार करना बेहद संजीदगी का काम होता है। बतौर अफसर कई बार आपको इसके लिए न सिर्फ निर्देश देने होते हैं बल्कि एक्शन प्लान का पूरा खाका समझना, समझाना और तैयार करवाना होता है। यहां सीओ साहब को देखकर ये कहना बेहद मुश्किल है कि वो एक खिलाड़ी और कोच के अलावा एक बेहतरीन कमेंट्रेटर की भूमिका भी निभा चुके हैं। जब मैं स्पोर्ट्स छोड़ चुका था तो उसके बाद मुझे मीडिया में भी काम करने का मौका मिला। 2010 से लेके 2016 तक
लगातार मैं कमेंट्री करता रहा और 2016 रियो ओलंपिक्स में की कमेंट्री मैंने स्टार स्पोर्ट्स पे करी थी और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैंने ओलंपिक्स की कमेंट्री करी और पूरे देशवासियों को मैं कुश्ती के बारे में बता पाया और जो हमारे भारतीय खिलाड़ी उनके बारे में बता पाया। प्रो रेसलिंग लीग में मैंने कमेंट्री करी। उसके अलावा दूरदर्शन से मेरा सफ़र शुरू हुआ था, दूरदर्शन पर लगातार मैं कमेंट्री करता रहा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे एक मौका मिला और वहाँ पे मेरी कमेंट्री की शुरुआत हुई थी 2010 कॉमनवेल्थ गेम में। और वहाँ से मुझे लगा कि भाई अब जब मैं स्पोर्ट्स छोड़ चुका हूँ तो मेरे लिए एक नई फील्ड है। खिलाड़ी जो है आमतौर पर बड़े शर्मीले होते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है। तो जब मैं पहली बार जुड़ा और कमेंट्री कर रहा था तो मुझे भी काफ़ी शर्म आ रही थी, मेरे पास लफ्ज इकट्ठे नहीं हो रहे थे, लाइनें मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने देख देख के और जितना मुझे लोगों से सीखने का मौका मिला, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने सीखा, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और फिर मुझे हाईएस्ट लेवल ओलंपिक लेवल पे भी कमेंट्री करने का मौका मिला। और लगातार मैं इस फील्ड में काम करता रहा और जब मुझे मौका मिलता है, विभाग मुझे परमिशन देता है, तो मैं जाके ये कमेंट्री वाला पार्ट भी अपना करता हूँ। गुड पुलिसिंग हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसके लिए जरूरी है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले पुलिस के जवानों को बेहतर दिशा निर्देश दिए जाएं और सही गलत का फर्क समझाया जाए कि लोगों के साथ उनका बर्ताव व्यवहार कैसा हो। पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, लेकिन जवानों को पुलिस का रोल समझा रहे सीओ साहब फिल्मों में भी रोल कर चुके हैं। सुल्तान फिल्म में अनुष्का सलमान के साथ आप दिखाई दिए तो आमिर खान और उनकी टीम को दंगल के सारे दांव पेच भी आपने ही सिखाए। इस बीच में दो बड़ी फिल्में बनी कुश्ती के ऊपर, दंगल और सुल्तान, और दोनों में मुझे काम करने का मौका मिला। दंगल के अंदर जो एक्ट्रेस थी, जो गीता बबीता का रोल कर रही हैं, सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख और आमिर सर के साथ मुझे उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिला, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म मेकिंग क्या है, किस तरीके से करेक्टर अपने अंदर वो घुस जाते हैं और कैसे उसको निभाते हैं। फिर सुल्तान के अंदर मुझे सलमान सर और अनुष्का शर्मा जी को कुश्ती के दाव पर सिखाने का मौका मिला और जो रेसलर्स थे उनको मैंने ट्रेनिंग दी और उसमें मुझे एक्टिंग का भी मौका मिला। और ये सब चीज़ें मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं जो मेरे साथ रहेंगी। और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनको ये सब इतने मौके मिलते हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। भगवान की कृपा है मेरे पे, बांके बिहारी जी की, कि मुझे इतने सारे मौके जीवन में मिले हैं अलग अलग भूमिका निभाने के। इंस्पेक्शन अब पूरा हुआ पर कोई दस्तखत बचा रह गया। रात के करीब 8 बजे हैं और अब यहां से वापसी अपने हेडक्वार्टर्स की। आज आप सबने देखा कि किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी की मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह से शाम तक कैसे रहती है और पूरा दिन ये प्रक्रिया चलती है और जिस तरीके से दिन में सूचनाएं आती हैं, जिस तरीके से घटनाओं का क्रम होता है, उसी तरीके से ये पूरा दिनचर्या चलती रहती है। और अब रात हो गई है और अभी मैं डिनर करूँगा, फिर रात में दोबारा से पेट्रोलिंग पर निकलूँगा। तो ये सुबह से शाम तक का जो सफ़र था वो आपने देखा कि पुलिस की जॉब काफ़ी टफ है और उसके वर्किंग आवर्स काफ़ी टफ होते हैं। और मैं आप सभी दर्शकों को यही कहूँगा, युवाओं को यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और जिस काम को करें पूरे मन से करें और पूरी इच्छा शक्ति से करें। देश सेवा इसमें भी है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और अच्छे से अच्छा करें। जितना आप जिस भी फील्ड में हों, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो वो भी एक देश सेवा है। वैसे आज का डिनर भी बेहद खास है,
जिसे एक सहकर्मी की बर्थडे पार्टी कहा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन यहाँ केक काटने जैसी कोई रस्म नहीं होने वाली। ऐसी व्यस्त जिंदगी में एक साथ इतने लोगों को किसी बहाने डिनर करने की फुर्सत मिल जाए तो ये बड़ी किस्मत की बात होती है। एक खिलाड़ी अगर चाहे तो अपनी जिंदगी में कितने रंग भर सकता है, इसकी मिसाल हैं जगदीश कालीरमन, जो खेल के सहारे एक सुनहरे सफर की दास्तां से कम नहीं। अंत में जगदीश कालीरमन अपने जूनियर साथी खिलाड़ियों को हौसला देते हैं, आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। मैं अपने जो युवा भाई हैं जो इस चैनल को देखते हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स करते रहें और कोशिश करें कि वो भी अच्छे खिलाड़ी बने, देश के लिए मेडल जीतें, और उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। लगातार सेंटर फोर्सेज में, स्टेट फोर्सेज में और रेलवेज़ में वैकेंसीज निकलती हैं और हर गेम की निकलती हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो कुश्ती हो, और हर रैंक की निकलती है, कांस्टेबल से लेकर डिप्टी एसपी तक की। उसका एक प्रोसीजर है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर्स में उसकी सूचना आती है कि कब आपको उसका फॉर्म भरना है, कब आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा। तो जिस गेम का खिलाड़ी होता है उसका सिलेक्शन ट्रायल होता है, और सिलेक्शन ट्रायल के बाद फिर उनकी जो नापतोल है वो होती है। उसी प्रोसेस के तहत भी मैं भर्ती हुआ था, और उसी प्रोसेस के तहत बहुत सारे देश के खिलाड़ी हैं जो अपनी सेवाएं पुलिस में दे रहे हैं। तो मैं आप सभी युवाओं को यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स करते रहें, अपने देश का नाम बढ़ाएं, अपने राज्य का नाम बढ़ाएं, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएं, और नौकरी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लगातार वैकेंसीज निकलती हैं सेंटर फोर्स में, स्टेट फोर्सेज में और रेलवेज में। और एक सीधा सा फॉर्मूला है खेल के अंदर कि आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहें, और जब आप मेडल जीतते हैं स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा पुलिस की नौकरी में आने का। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आपने किस लेवल का मेडल जीता है और आपको क्या रैंक से आपकी भर्ती होती है। और ये निश्चित है कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी में आने के बाद आप फिर मेडल जीतते हैं विभाग के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, तो आपको प्रमोशन भी मिलता है। जय हिंद, जय भारत।